वेलकम स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बोला OTPT के वीडियो में कि हम बिलीरुबिन का भी आपको दिखाएंगे। तो बिलीरुबिन का जो प्रोसीजर है, आप समझ लो कि इसमें स्टैंडर्ड देना नहीं रहता, ये भी फिक्स फैक्टर पे रहता है। हमारे पास जो रिएजेंट है एकोरेक्स मशीन का, एकोरेक्स का AT112+ मशीन है, ठीक है। तो अब इसका प्रोसीजर समझो, हमें प्रिपेयर करना है चार ट्यूब, ठीक है, और चारों ट्यूब में हमको 500 सैंपल डालना है, जो कि बिलीरुबिन टोटल और बिलीरुबिन डायरेक्ट, दो बिलीरुबिन टोटल के, दो बिलीरुबिन डायरेक्ट के। अब इसमें बिलीरुबिन टोटल के भी R2 है, बिलीरुबिन टोटल का R2 है और बिलीरुबिन डायरेक्ट का भी R2 है। तो इसका क्या करना है, इसका 10 माइक्रो हमें सेकेंड वाले ट्यूब में डालना रहेगा, मतलब R1, फिर सेकेंड ट्यूब में R2 एंड डायरेक्ट के सेकेंड ट्यूब में R2, ठीक है। और फिर सब में हमें 25 माइक्रो सैंपल डालना है, 5 मिनट हमें वेट करना है और फिर मशीन पे रन करना है। फिर एक बार बोलता हूँ, चार ट्यूब प्रिपेयर करना है, बिलीरुबिन टोटल और बिलीरुबिन डायरेक्ट। अब हमें R2 लेना है बिलीरुबिन टोटल के सेकेंड ट्यूब में और बिलीरुबिन डायरेक्ट के सेकेंड ट्यूब में लेना है R2 रिएजेंट 2, ठीक है। फिर उसके बाद हमें चारों में 25 माइक्रो सैंपल डालना है, 5 मिनट वेट करना है, 5 मिनट वेट करने के बाद में हमें मशीन पे रन करना है, ठीक है। आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, कुछ भी कन्फ्यूजन रहेगा स्किप करोगे नहीं समझेगा, और लास्ट तक देखोगे क्लियर हो जाएगा बिलीरुबिन एकोरेक्स मशीन का करना कैसे। तो हमने डाल दिया है, ये देखो मैं वापस से आपको बोलता हूँ, टोटल डायरेक्ट कलर के इससे समझो, ये टोटल के हैं, टोटल डायरेक्ट। टोटल का R1, डायरेक्ट का R1। अब टोटल का R2 सेकेंड ट्यूब में और डायरेक्ट का R2 सेकेंड ट्यूब में। उसके बाद सीरम सब में 25 माइक्रो सीरम। अब उसके बाद में हम अपने मशीन पे समझ लेते हैं, जो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन है, जिधर पे आपने डाला है, सेव किया है, बिली पे आना है, बिली अपना, ये बिली इधर हुआ, और अभी देखो अभी हमको 0 दे देना है, ठीक है। इसमें RB लिखा हुआ है पर स्टैंडर्ड का कॉलम नहीं है, ठीक है, इसमें स्टैंडर्ड नहीं होता। अब हमें क्या करना है, 0 देने के बाद हमें सैंपल पे क्लिक करना है। सैंपल पे क्लिक करने के बाद सैंपल मींस R2 प्रोसेस करना है, जिस ट्यूब में, सेकेंड वाले ट्यूब में जो हमने R2 डाला उसको सैंपल पे प्रोसेस करना है, और सैंपल ब्लैंक पे हमें फर्स्ट वाला ट्यूब रन करना है। ये फर्स्ट वाला ट्यूब मतलब ये जो फर्स्ट वाला ट्यूब है HB पे प्रोसेस करना है, और जो सेकेंड वाला ट्यूब है सैंपल पे प्रोसेस करना है। तो जैसे ही जब हम HB वाला ट्यूब को रन करेंगे ऑटोमेटिकली वो सैंपल पे आ जाएगा, तो हमें वो चेंज करने का ज़रूरत नहीं, वो हम डायरेक्टली सेकेंड वाले ट्यूब को रन कर लेंगे। लेकिन अब डायरेक्ट कहाँ करेंगे, डायरेक्ट भी इसी कॉन्फ़िगरेशन पे होगा, और उसके लिए क्या करना रहेगा, हमें रिंज देना रहेगा। रिंज देने के बाद सेम HB पे क्लिक करना पड़ेगा, सैंपल पे क्लिक करने के बाद HB पे जैसे ही हम फर्स्ट वाला ट्यूब रन करेंगे वैसे ही हमारा सेकेंड वाला भी ट्यूब ऑटोमेटिकली इस पर सैंपल पे आ जाएगा, तो हमें उस पर रन करना रहेगा। ये फिक्स फैक्टर का है, इन पॉइंट मेथड है, वेवलेंथ 546 है, रूम टेम्परेचर पे टेस्ट होता है। अब बिली 36 है, 36 का कोई वैल्यू नहीं है, 36 नंबर वाले पोजीशन पे ये टेस्ट का सेटिंग सेव है, वो 36 है, ठीक है। बस ये इतना ही आपको और डिस्प्ले पे शो करेगा, आप कोई भी मशीन यूज़ करो, और एक ग्राफ बनेगा जो इधर पे आपको एक ग्राफ दिखाएगा, ठीक है। तो ये है पूरा प्रोसीजर। तो अब हमने 5 मिनट के लिए प्रोसेस में डाल के रखा है। कलर चेंजेस इसमें भी होता है, जिस पेशेंट का बिलीरुबिन काफ़ी हाई रहता है उसका कलर चेंज हो जाता है। तो अभी हमें नोटिस करना है प्रोसेस हमारा कैसा क्या होता है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहना, पूरा वीडियो देखना। टाइमिंग हो गया है तो अभी मैं आपको सैंपल HB पे क्लिक कर रहा हूँ, और HB पे क्लिक करने के टाइम यहाँ नोटिस करना 1B, ठीक है, 1B मीन्स ब्लैंक,
ये वन बी ब्लैंक। तो अभी हमें टोटल लेकर टू उठाते हैं और एस बी पे डालते हैं। यहाँ नोटिस करना ऑटोमेटिक एस बी से हाईलाइट हट जाएगा। एस बी का हाईलाइट हट गया, यहाँ वन के पास से बी हट गया, यहाँ सिर्फ वन रह गया। अब हम जो सेकेंड वाला ट्यूब रखे, सेकेंड वाले ट्यूब को हम रन करेंगे। ये हो गया हमारा 1.14 बिली आया, ठीक है। अब डायरेक्ट करना है, तो डायरेक्ट के लिए हमें फिर से रिंस करना है, मतलब पहला टेस्ट कंप्लीट हुआ, अब सेकेंड टेस्ट हम करेंगे, ठीक है। अब रिंस देते हैं, ये रिंस हुआ। रिंस होने के बाद अभी भी देखो ये सैंपल पे है, लेकिन सैंपल पे हमें नहीं रखना, दो नंबर और एस बी को नोटिस करना, ठीक है। एस बी पे क्लिक किए, सेकंड के आगे बी आ गया, ओके। तो अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट का फर्स्ट ट्यूब रन करना है। ये डायरेक्ट का फर्स्ट ट्यूब हुआ, जिधर से बी हट जाएगा प्रोसेस होते ही, ये हाइलाइटेड हटेगा, सैंपल पे आ जाएगा सिर्फ, और यहाँ से बी हटेगा, ओके। तो अब अपने को क्या करना है, डायरेक्टली सेकेंड वाले ट्यूब को भी रन कर लेना है। ये हो गया हमारा टेस्ट कंप्लीट। तो इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे होना चाहिए करके कमेंट करें।